सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तियो। नमस्ते मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज हम संस्कृत व्याकरण की बात कर रहे हैं। ज्ञान सुधा कॉलेज आयुक्तालय राजस्थान सरकार के इस मंच पर मैं आपको सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज का ये जो व्याख्यान है, ये महाविद्यालयी छात्रों के साथ ही जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन सभी छात्रों के लिए समान रूप से उपयोगी है। साथियों, आप जैसे कि आपके पास पहले से सूचना है कि आज हम लोग जो है वो कारक प्रकरण, संस्कृत का कारक प्रकरण जो है उस पर बात करने वाले हैं। कारक प्रकरण संस्कृत का हृदय है। यदि मैं कहूं कि कारक के साथ ही संस्कृत की आत्मा जुड़ी है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि कारक ही वो प्रकरण है जिसके माध्यम से आप अनुवाद करना सीखते हैं। कारक ही वह प्रकरण है जिसके माध्यम से आप अशुद्धि संशोधन और वाक्य शुद्धि के जो नियम है वह सीखते हैं। तो संस्कृत में और हिंदी दोनों में कारकों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन संस्कृत में कारक को भलीभांति विश्लेषित किया गया है। तो आइए साथियों, मैं आज की इस कक्षा को शुरू करता हूं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और नमस्ते, और उम्मीद करता हूं कि इस कक्षा को आप लगातार निरंतर जुड़ करके आप देखें और अपने साथियों के साथ साझा अवश्य करें, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो आपके लिए यदि कहीं थोड़ा बहुत परिश्रम करता है तो यही हमारा फल है कि ये कक्षा जो है अधिक से अधिक लोगों के पास और जो जरूरतमंद है, जिनको आवश्यकता है संस्कृत की, उन लोगों के पास पहुंचे। आइए साथियों, कारक प्रकरण। प्रणाम जितेंद्र जी मिश्रा, कुछ नाम ऐसे हैं, लिखमाराम सारण, कुछ नाम ऐसे हैं साथियों जो याद हो गए हैं मुझे। ऐसा लगता है कि आभासी दुनिया न होकर के ये साक्षात दुनिया है। आइए हम बात करेंगे कारक। पहले कारक शब्द को हम लेते हैं। देखिए, आज की ये जो कक्षा है ये 7:15 तक चलने वाली है, केवल 1 घंटे का समय है। बहुत ध्यान से आपको सुनना है, और इस कक्षा में हम दो प्रकार से अध्ययन करेंगे। पहले में आरंभ में 30 मिनट आपको संपूर्ण कारक का परिचय दूंगा, उसके बाद में कुछ प्रश्न है आपके लिए स्लाइड के माध्यम से, उस पर हम बात करेंगे किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो आइए साथियों, कारक जो शब्द है वो कैसे बना। प्रत्येक शब्द की संस्कृत भाषायां व्युत्पत्ति भवति, अस्य कारक शब्दस्य कथम कीदृशम कीदृशी व्युत्पत्ति अस्ति तस्य जानम स्यात्, उसका ज्ञान हो। जी किशन राठौर, रोहिताश कुमार, किशन राम जाखड़, एकता जैन, सभी को नमस्ते। सोनू चौधरी, आइए साथियों, ये जो कारक शब्द हैं, कारक शब्द साथियों संस्कृत की एक धातु है, डू क्रिय। वास्तव में ये धातु जब उत्पन्न हुई थी तब ये डू क्रिय करने इस प्रकार की धातु थी। संस्कृत में अनुबंध का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। डू चला गया, यह चला गया, क्री हमारे काम का था, यह क्री हमारे साथ रह गया, और क्री का अर्थ होता है करना। इस क्री धातु के साथ एक सूत्र आता है संस्कृत में, एक सूत्र है णवुल त्रिचौ, एक सूत्र है णवुल त्रिचौ, और इस णवुल त्रिचौ सूत्र से णवुल त्रिचौ कृत्रिय अर्थ में णवुल और त्रिच प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो क्री धातु के साथ में जब णवुल प्रत्यय हम जोड़ते हैं तब क्या होता है, देखिए मैं बहुत ज्यादा प्रक्रिया में नहीं जाऊंगा, आज इस प्रकरण का हम तह तक जाने वाले हैं। आप दिल खोल करके जितने भी प्रश्न होंगे वो भी आप अंत में मुझसे आप पूछ सकते हैं, अभी आप बहुत ध्यान से इसको सुने। तो क्री और णवुल, णवुल में ण चला जाता है, ल चला जाता है, फिर एक सूत्र आता है। आपसे सूत्र कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन कोई महाविद्यालयी छात्र सुन रहा है तो वहां पर इसका सूत्र है युवो रनाकौ, इसका वो शेष रहता है
रूल में ण और ल चला जाता है, वो शेष रहता है। एक सूत्र है युवो रनाकऊ, इस सूत्र से वु के स्थान पर अख आदेश हो जाता है। क में जो ये आपको री दिखाई दे रहा है, इस री के स्थान पर आर हो जाता है। अचौ नीति एक सूत्र है, क में जो री था उसका आर हो गया तो ये कार शब्द बन गया, और फिर कार के साथ में अख जोड़ दिया तो शब्द बनता है पुलिंग में कार कह, स्त्रीलिंग में यह शब्द जो है वो कारी का बनेगा, और नपुंसक में यह शब्द जो है वो कारकम बनेगा। एक बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि कारक जी श्याम मिश्रा भृतृहरि की तपोभूमि से आप प्रणाम कर रहे हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद जी। कारक प्रकरण पूरा कराऊंगा आप जो अभी इसको हम समझते हैं। तो कारक शब्द कैसे बना, हमने पढ़ा कि क्री के साथ नून प्रत्यय, क में जो री था ये री आर में बदल गया, वो का अक हो गया और शब्द बन गया कारक, और ये कारक जो शब्द है उसका पुलिंग रूप बनता है कारक। ये तो ही संस्कृत भाषायाम लिंग त्रयम भवति ध्यानम दातव्यम, लिंग संस्कृत में तीन प्रकार के लिंग होते हैं, पुलिंग कारक है, स्त्रीलिंग में कारिका है, कारकम है। साथियों जिस किसी भी शब्द के अंत में आपको अक सुनाई दे हिंदी में, कारक नायक गायक शावक विधायक उपकारक मारक धारक वारक शायक, इन सभी शब्द जो मैंने अभी बोले हैं इन सभी शब्दों में नूल प्रत्यय है संस्कृत में, और हिंदी में अक प्रत्यय है। किसी भी शब्द में अक होगा उसका स्त्रीलिंग इका हो जाता है और अकम हो जाता है नपुंसक में। अब सवाल उठता है कि कारक का अर्थ क्या होता है, तो कारक का अर्थ होता है जो करने वाला, काम को जो करने वाला है वो कारक है। फिर व्याकरण के क्षेत्र में आता आता कारक जो शब्द है वो पारिभाषिक बन गया और ये प्रकरण बन गया, तो हमें यहां पर कारकम शब्द का प्रयोग करना है। कारकम कारकाणी कतिविधान संति, कारक कितने प्रकार के होते हैं, हम कारक शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, अब हम कारकम शब्द का प्रयोग करेंगे। आइए साथियों ये जो कारक जो शब्द है इस कारक शब्द की क्या परिभाषा है, बहुत बार ये परिभाषाएं पूछ ली जाती हैं और रीट इत्यादि परीक्षाओं की जो तैयारी जो साथी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही जरूरी है। तो पहली परिभाषा जो है वो है क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, क्रिया क्रिया जनकत्वम क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, अर्थात जो क्रिया का जो जनक होता है उसे ही हम कारक कहते हैं। क्रिया की सिद्धि जिससे होती है क्रिया जनकत्वम, हां विजय शर्मा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्रिया जनकत्वम। भैरू सेन बेटा अभी हम कारक की बात कर रहे हैं ना, समास करा देंगे, पहले इसका आनंद ले लो। आज एक घंटे का समय, एक घंटे में जहां पर अभी आप हैं वहां से बहुत आगे आपको जाना है, मेरी बहुत शुभकामनाएं। अभी आप इधर उधर का प्रश्न मत करो, केवल कारक से संबंधित जो आपके प्रश्न है वो मैं आपको समास भी कराऊंगा, सारी चीजें होगी। तो क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, क्रिया का जो जनक है, क्रिया की सिद्धि जिससे होती है वो कारक है। कई बार क्या होता है रीट इत्यादि परीक्षा में पूछा जाता है क्रिया जनकत्वम फिर देश देश और चार विकल्प होते हैं, तो ये परिभाषा आपको याद होनी चाहिए और पूछी गई परिभाषा है क्रिया जनकत्वम कारकम। दूसरी परिभाषा जो है वो ये है कि क्रियाम करोति इति कारकम, जो क्रिया को करने वाला है, क्रिया के साथ जिसका संबंध है वह कारक है। और तीसरी परिभाषा जो है वो है क्रिया क्रियान्वयी कारकम, क्रियान्वयी कारकम क्रिया का जिसके साथ अन्वय होता है। अभी सारी बातें इसके बारे में हम करेंगे कि क्रिया का अन्वय कैसे होता है, क्रिया का जनक कैसे होता है और क्रिया को करने वाला क्यों कारक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है क्रिया अन्वयी कारकत्वम, और चौथी परिभाषा जो है वो कहते हैं कि क्रिया क्रिया संपादकत्वम, क्रिया संपादकत्वम कारकत्वम, क्रिया का जो संपादन करता है वो कारक है। तो चार परिभाषाएं अभी तक हमने सीखी। कारक की परिभाषाओं की कभी बात करें तो ये परिभाषाएं मुख्य हैं। पांचवी परिभाषा एक और लिख सकते हो, क्रिया क्रियाम निवर्तयति, क्रियाम निवर्तयति इति कारकम, जो क्रिया का निवर्तन करता है वो कारक है, जो क्रिया का संपादन करता है वो कारक है, क्रिया का जिसके साथ अन्वय होता है वह कारक है। रोग शब्द में भगवंत मेघवाल पूछ रहे हैं कौन सी धातु है, रुज धातु है जी। सवाई गोयल सभी का प्रणाम। हां क्रियाम करोति इति कारकम,
बिल्कुल साथियों, तो ये पांच परिभाषाएं मैंने आपको दे दी। पांच से छठी परिभाषा आपसे कोई नहीं पूछने वाला। कारक की परिभाषा ये हो गई, क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, क्रियाम करोति इति कारकत कारकम, क्रिया अन्वयी कारकम, क्रिया संपादकत्वम कारकत्वम, क्रियाम निवर्त्यति इति कारकम। तो सीधी सीधी बात यह है कि क्रिया का जनक कारक है, क्रिया को करने वाला कारक है, क्रिया का जिसके साथ अन्वय होता है वो कारक है, क्रिया का जिसके साथ संपादन होता है वो कारक है, और क्रिया जिसकी क्रिया का निवर्तन जिससे होता है वह भी कारक है। हाँ बिल्कुल, रुज धातु से रोग बनता है, रुज धातु में घय प्रत्यय जुड़ेगा तो रोग, भुज से भोग, युज से योग, इन सभी शब्दों में घय प्रत्यय पढ़ा चुका हूं। तो ये साथियों ये परिभाषाएं थी। अब आइए मैं एक व्यावहारिक परिभाषा कारक की देता हूं। यहां तक अभी तक हमने ये पढ़ा है कि कारक शब्द बना कैसे, कारक की कौन कौन सी परिभाषाएं हैं। तो आइए आगे हम बात करते हैं कारक के विषय में क्या तथ्य है। अब देखिएगा, अब साथियों आपको यह ध्यान रखना है कि एक कारक की परिभाषा जो है एक व्यावहारिक परिभाषा है। ये व्याकरणात्मक परिभाषाएं थी, लेकिन एक स्वतंत्र नेपाली, बिल्कुल बिल्कुल कारकान याहू ऐसा ही होता है। अभी यहां पर रहिएगा। तो कारक की स्वतंत्र परिभाषा जो है वह क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। तो साथियों देखिए, आपको यह ध्यान रखना है कि यस्य पदस्य, जिस पद का, यस्य पदस्य क्रियया सह, जिस पद का क्रिया के साथ साक्षात संबंध भवती, जिस पद का क्रिया के साथ साथ साक्षात संबंधो भवती, तत्पदम, यस्य पदस्य क्रियया सह साक्षात संबंधो भवती, जिस पद का क्रिया के साथ साक्षात संबंध होता है तत्पदम, तत्पदम कारक पदम भवती। एक बार रीट में एक प्रश्न आया था कि यस्य पदस्य क्रिया से साक्षात संबंधो भवति तत्पदम किम भवति, तो कारकम भवति। जिस पद का क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है वही पद कारक होता है। अब क्रिया के साथ सीधा संबंध कैसे होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। साथियों सीधा संबंध से मतलब क्या है, आखिर कारक होते क्या है। इस परिभाषा के अनुसार आपसे कोई पूछे कि संस्कृत में कितने कारक है, तो संस्कृत में कारकों की संख्या, यदि कोई पूछे कि इस परिभाषा में कारकों की संख्या कितनी है, तो कारकों की संख्या साथियों इसके अनुसार 6 कारक है। आपको ध्यान रखना है कि इसके अनुसार कारकों की जो संख्या है वो 6 है, और संस्कृत भाषा में जो विभक्तियों की संख्या है, विभक्तियों की संख्या हमेशा ध्यान रखिएगा 7 होती है। 6 कारक होते हैं और 7 विभक्तियां होती हैं। कारक की परिभाषा मैंने आपको दी कि यस्य पदस्य क्रियया सह साक्षात संबंधो भवति, जिस पद का क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है वह कारक होता है। अब यह सीधा संबंध कैसे होता है, इसके लिए हमें एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी। पहले ध्यान रखना, कारकों की संख्या 6 हो गई, विभक्तियों की संख्या 7 हो गई। साथियों मैंने एक वाक्य लिखा, एक उदाहरण देता हूं जिसमें सभी कारकों का प्रयोग एक साथ होने वाला है। जैसे मैंने कहा, भो मनुष्य, मेरे साथ साथ आप लोग लिखते हैं, पेन को भी लेकर के जरूर बैठे, भो मनुष्य अयोध्या राजा, ये वाक्य आपने बहुत बार पढ़ा होगा। आज मैं कुछ इसमें विशेष बताने वाला हूं। अयोध्या राजा गंगा तटे या गंगा तीरे या गंगा तटे, फिर गोष्ठात, गंगा तटे गोष्ठात ब्राह्मणाय या निर्धनाय, कुछ भी कह सकते हैं, ब्राह्मणाय या निर्धनाय या विप्राय, कुछ भी कह सकते हैं, ब्राह्मणाय स्वहस्तेन, अपने हाथ से स्वहस्तेन गाम ददाति। साथियों ये वाक्य है, इस वाक्य के माध्यम से ये वाक्य जब समाप्त होगा, उम्मीद करूंगा, उम्मीद नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपको कारक के बहुत सारी चीजें समझ में आने लग जाएगी। ये ध्यान रखिएगा। जी नेतल राजे नमस्ते। तो यहां पर देखिएगा, उदाहरण है, भो मनुष्य अयोध्या राजा गंगा तटे गोष्ठात ब्राह्मणाय स्वहस्तेन गाम ददाति। ये एक संपूर्ण वाक्य है, और इस संपूर्ण वाक्य में जो 6 कारक और 7 विभक्तियों का प्रयोग यहां पर किया गया है, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए, तो यहां पर इसको पहचाने कैसे हम कि ऐसे होता है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, देखिए एक क्रियापद रख रहा हूं मैं, ददाति, ददाति क्रियापद है। इस वाक्य में ददाति क्या है, क्रियापद है।
बाकी में कौन सा, यदि मैंने आपसे पूछा कि अयोध्या कौन सी व्यक्ति है, मैंने आपसे पूछ लिया गंगा तटे कौन सी व्यक्ति है, गोष्ठात में कौन सी व्यक्ति है, ब्राह्मणाई में कौन सी है, स्वहस्तेन में कौन सी है, गाम में कौन सी है, और ददाति क्रिया है, कौन सी विभक्ति है, किस प्रकार से है, तो उसका हम समाधान किस प्रकार से करेंगे, आइए इसकी बात करते हैं। साथियों आपको क्या करना है कि क्रिया के साथ कोई भी सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम लिख करके आप जो है प्रश्न करो। जैसे मैंने कहा कहा ददाति, तो कहा ददाति से जो उत्तर आएगा वह हमेशा ही संस्कृत में कर्ता होता है। तो कौन दे रहा है इस वाक्य में, इस वाक्य का मैं हिंदी अर्थ बता देता हूं, भो मनुष्याः, हे मनुष्यों, अयोध्या राजा, अयोध्या का राजा, गंगा तटे, गंगा तट पर, गोष्ठात, गोष्ठ कहते हैं बाड़े से, ब्राह्मणाय, ब्राह्मणों के लिए, स्वहस्तेन, अपने हाथ से, गाम अर्थात गाय को देता है। अब यहां पर इस वाक्य के माध्यम से, एक संपूर्ण वाक्य के माध्यम से आपसे परीक्षा में कभी भी पूछा जाए कि कौन सा कारक है तो आप निकालोगे कैसे, तो आपको यह ध्यान रखना है कि कहा ददाति, कहा लिखती, कहा खादती, कहा आयाती। जैसे मैंने कहा राम आयाती, प्रश्न करूंगा राम कहा आयाती, तो राम आयाती, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कहा ददाती तो आएगा कि राम ददाती, और राम इस पद में या राजा, राम नहीं है राजा है, तो राजा जो है, राजा इस पद में क्या हो गया बोलो, कर्ता हो गया, इस वाक्य का जो कर्तृपद है वह राजा है। कहा ददाति, फिर दूसरी बात है कि किम ददाति, किम ददाति से जो उत्तर आएगा वो दो नंबर अर्थात कर्म कारक होगा, तो क्या देता है, तो गाम ददाति, गाय देता है, ये गाय जो है इस वाक्य में कर्म है, ये राजा जो है इस वाक्य में कर्ता है। फिर मैंने कहा केन ददाति, केन के माध्यम से जो उत्तर आएगा, केन ददाति, इसके माध्यम से जो उत्तर आएगा वह हमेशा ही करण होता है, केन ददाति, केन खादति, केन आयाति, केन पश्यति, केन चलति, केन से जो उत्तर आएगा वो सारा का सारा उसमें केन ददाति, तो हस्तेन ददाति, तो हस्त इसमें क्या हो गया, करण कारक हो गया, स्वहस्तेन ददाति, तो हस्तेन जो है वह करण कारक हो गया, ऐसे आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में किसी भी क्रिया के साथ कस्मै या कस्यै लगा करके जो प्रश्न करोगे उससे जो उत्तर आएगा वह संप्रदान कारक होगा। अब मैं आपसे पूछता हूं कस्मै ददाति किसके लिए देता है, ये जो राजा जो गाय दे रहा है वो किसके लिए दे रहा है, तो ब्राह्मणाय ददाति, ये ब्राह्मणाय ददाति, ये ब्राह्मणाय क्या हो गया, तो ये संप्रदान हो गया। अब यहां पर साथियों पांचवा आप क्रिया के साथ कस्मात करो, कस्मात ददाति, कहां से देता है, वो गाय जो थी वो कहां से लेकर के आया था, हां बिल्कुल, वो गाय जो थी कहां से लेकर के आया था, तो कहां से लेकर आया था, गोष्ठात, कोई भी चीज जहां से अलग होती है उसमें पंचमी होती है, तो इस वाक्य में जो गोष्ठात है उसमें पंचमी विभक्ति अर्थात अपादान कारक है, आपको ऐसे ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में छठा कस्य ददाति उत्तर आएगा ही नहीं, कस्य ददाति उत्तर ही नहीं आएगा, किसका देता है इस वाक्य में, किसका देता है से कोई उत्तर नहीं आएगा, इसलिए संबंध कारक को विभक्ति ही मानते हैं, संबंध को कारक नहीं मानते, क्योंकि संबंध का क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होता, अभी बात करेंगे, लेकिन एक बार आगे चलता हूं। कुत्र ददाति या कस्मिन ददाति, कुत्र ददाति कहां पर देता है वो, ये जो क्रिया जो थी वो कहां पर घटित हुई, तो सब जानते हैं कि ये गंगा तट पर घटित हुई, इसलिए गंगा तटे जो शब्द है वो गंगा तटे जो है वो अधिकरण कारक है। तो साथियों कोई भी वाक्य हो ददाति का अर्थ देना होता है, बिल्कुल ददाति देना अर्थ है, हां हां श्रीमान जी आपके द्वारा बताया, हां बिल्कुल बहुत बढ़िया धर्माराम शारण, बहुत अच्छी बात है, लय के साथ आप बोलिए। साथियों संस्कृत जो है वो देवानाम भाषा वर्तते, संस्कृत देवताओं की भाषा है, अतः ये संस्कृतम वदति तस्य अन्ते करणे देवत देवत्वस्य गुणानाम आधानम भवति वा देवा सदृशः गुणानाम आधानम भवति तस्य अन्ते करणे, अतः संस्कृतम वक्तव्यम, संस्कृतम अतीव सरलम, अस्माकं मनसि एव भयमस्ति केवलम, यत् संस्कृतम कठिनम कठिनम, अहम सदैव वदामि जो डर गया वो मर गया। चलो हम बात आज बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बातें करने वाले हैं। तो साथियों क्या देता, कौन देता है कि राजा देता है, क्या देता है कि गाय देता है, तो गाय कर्म हो गया, यह ध्यान रखना, गाय इस वाक्य में क्या हो गया कि कर्म हो गया, कहां किससे देता है, देने का साधन क्या है, तो हस्त हो गया, किसके लिए यह ददाति क्रिया का प्रयोजन क्या है, तो ब्राह्मण है, कहां से लाया था गाय को खोलकर, तो बाड़े से, गोश से लाया था, और गाय कहां पर दी गई थी, तो गंगा तटे,
गंगा के तट पर गाय को दिया गया था, फिर किसने दी थी कि राजा ने। अब इसमें क्या बच गया, एक तो भो मनुष्य का क्रिया के साथ संबंध नहीं हुआ, एक अयोध्या शब्द का भी क्रिया के साथ संबंध नहीं हुआ। तो यहां पर यह परिभाषा पढ़ो, यस्य पदस्य क्रियया साक्षात् संबंधो भवति, राजा ददाति, गाम ददाति, हस्तेन ददाति, ब्राह्मणाय ददाति, गोष्ठा ददाति, गंगा तटे ददाति, समस्त इस वाक्य में आए हुए जो समस्त पद थे उनका क्रिया के साथ संबंध था, लेकिन अयोध्या का इस ददाति क्रिया के साथ किसी प्रकार का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसलिए कहा गया कि जिस पद का क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होता वो कारक नहीं होता। और आपसे कोई पूछे कि इस वाक्य में अयोध्या का देने से कोई संबंध नहीं है, अयोध्या इस अयोध्याया षष्ठ विभक्ति है, ध्यान रखना, लतायाहा रमायाहा, संस्कृत भाषा का आधार मेरुदंड जो है वह शब्द रूप और धातु रूप है। शब्द रूप और धातु रूप मैं आपको पढ़ा चुका हूं, आप प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पर देखिए, बहुत जो है विधि से मैंने आपको पढ़ाया है। शब्द रूप और धातु रूप यदि आप संस्कृत में जानते हो, चेत संस्कृतस्य काठिन्यम नैव भवति, संस्कृत का काठिन्य नहीं होता है। अयोध्या षष्ठी विभक्ति है, यहां पर विसर्ग लगा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा अयोध्या, तो अयोध्याया इस शब्द का ददाति क्रिया के साथ किसी प्रकार का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसलिए अयोध्या जो शब्द है वह साथियों इस वाक्य में क्रिया से नहीं जुड़ा, इसलिए यह कारक नहीं हुआ, और जो क्रिया के साथ नहीं जुड़ता वो कारक नहीं होता। इसी प्रकार भो मनुष्य, इसका भी हे मनुष्यों अयोध्या का राजा, तो भो मनुष्यों का भी ददाति क्रिया में किसी प्रकार का कोई सीधा साक्षात या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, अप्रत्यक्ष संबंध जरूर है। तो यहां पर भो मनुष्य जो है क्या है, संबोधन है, ध्यान रखना संस्कृत में संबोधन जो है उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। कई बार प्रश्न आता है कि संबोधने का विभक्ति भवति, जी भजनलाल मांझू आप सभी को नमस्ते साथियों, कैलाश बिश्नोई साथियों, चलिए साथियों, तो आपसे कोई यदि पूछे कि संबोधने का विभक्ति, मेरी बात को ध्यान से सुनना, संबोधने का विभक्ति, तो ध्यान रखना है संबोधने प्रथमा विभक्ति भवति, संस्कृत भाषायां संस्कृते संबोधने प्रथमा विभक्ति भवति, संस्कृत में संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। और संबंध कारकम नास्ति, संबंध जो है वो कारक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि संबंध का क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं है। इस बिचारे का नाम ही संबंध है लेकिन इसका क्रिया के साथ संबंध नहीं है, इसलिए हम संबंध को और संबोधन को संस्कृत में कारक नहीं मानते हैं। हिंदी में आठ ही कारक है, आठ ही विभक्तियां हैं। मैं आगे चलता हूं साथियों, आइए बात करते हैं अब कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें। साथियों संस्कृत जैसा कि आप लोग जानते हो कि संस्कृत जो है वो सूत्रात्मक ही भाषा वर्तते, संस्कृत सूत्रों वाली भाषा है, सूत्रों को थोड़ा थोड़ा हमें याद रखना चाहिए। रीट वाले लोग ध्यान दें, केवल कारक प्रकरण ही एक ऐसा प्रकरण है जिसमें आपको सूत्रों के माध्यम से प्रश्न पूछा जाता है, बाकी पूरी संस्कृत में चाहे संधि हो चाहे समास हो चाहे संज्ञा सर्वनाम विशेषण कुछ भी हो वहां पर सूत्र नहीं आते, केवल और केवल कारक प्रकरण ऐसा है जिसमें सूत्रों की बात होती है। तो आइए साथियों हम यहां पर कुछ बात करेंगे। पहला देखिएगा, आप इस तरह से एक टेबल बना दें, कारक का नाम क्या है, फिर कारक का नाम, कारक का नाम मैं इतना बड़ा नहीं लिख रहा हूं, आप कारक का मतलब कारक समझ लो, फिर उसके बाद में जो है कारक विधायक सूत्र, कारक विधायक सूत्र, विधायक सूत्र मतलब संज्ञा, कारक संज्ञा विधायक सूत्र, और फिर हम बात करेंगे विभक्ति सूत्र, और एक संस्कृत में होती है उपपद विभक्ति। आज हम उपपद विभक्ति की बात नहीं करेंगे, मैंने आपके सामने चार चीजें लिखी है। पहला लिखा है कि कारक कितने की छह, कारक विधायक सूत्र कितने की छह, विभक्तियां कितने की सात, विभक्ति विधायक सूत्र कितने की सात, और उपपद विभक्तियां कितने की, कोई और है न कोई छोर है, जो बहुत सारी है। अब देखो हमने कारक समझ लिया, अब कारक विधायक सूत्र क्या है। आपसे कई बार एक ऐसा प्रश्न आता है कि कर्तृ संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति, पूरी तरह से ध्यानस्थ हो जाइए, एकाग्र हो जाइए, अपने जितने भी दुख दर्द है वो मुझे एक घंटे के लिए मुझे दे दो, जब जाओ तब अपने अपने वापस ले लेना। तो जितने भी आपकी इंद्रिय है उसको आप जो है एक एक स्थान पर कर दें, बहुत आनंद आएगा, यही प्रश्न आते हैं। यदि आपसे कोई पूछे कि कर्तृ कारक विधायकम सूत्रम किम अस्ति, या कर्म संज्ञा विधायकम सूत्रम किम अस्ति, कर्ण संज्ञा विधायकम सूत्रम किम अस्ति, आज बोल रहा हूं परीक्षा है तब ध्यान रखना, इसमें से एक प्रश्न पक्का आता है।
तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली चीज है। अब साथियों, पहला जो कारक है उसको हम बोलते हैं कर्ता कारक, और कर्ता कारक का मैं चिन्ह आपको नहीं बताने वाला हूं, ये आप सब जानते हो। कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होकर, संबंध का के की, अधिकरण में, पेपर, और हे ओ अरे संबोधन, ये सब जानते हो, ये बताने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो कर्ता शब्द जो है वो कृ धातु के साथ में त्रिज प्रत्यय जुड़ता है, तब कर्तृ शब्द बनता है, पुल्लिंग में कर्ता बनता है, स्त्रीलिंग में कर्तृ बनता है, तो कर्ता कारक हो गया। अब इस कर्ता कारक की, कर्ता कारक की परिभाषा क्या है, कर्ता संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, तो ध्यान रखना संस्कृत में एक सूत्र है, यह पूछा जाता है बहुत बार कि स्वतंत्र कर्ता, कर्ता क्या होता है, तब कहते हैं कि स्वतंत्र कर्ता, कि भाई काम को करने में जिसकी स्वतंत्रता होती है, किसी भी काम को करने में जिसकी स्वतंत्रता विवक्षित होती है, मैं खाऊं या नहीं खाऊं मेरी इच्छा है, जाऊं न जाऊं मेरी इच्छा है, पढ़ूं न पढ़ूं मेरी इच्छा है, और इसीलिए संस्कृत में कहा गया कि स्वतंत्र कर्ता। इसलिए आपसे कोई पूछे कि कर्ता संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है, तो ध्यान रखना स्वतंत्र कर्ता, ये प्रश्न बहुत बार आते हैं। ये कारक का नाम है, ये सूत्र का नाम है स्वतंत्र कर्ता। आपसे स्वतंत्र कर्ता का नाम पूछे तो ध्यान रखना किसी भी काम को करने में जिसकी स्वतंत्रता होती है। अभी मैं पढ़ा रहा हूं, अहम पाठयामी व न पाठयामी, पढ़ाऊं या न पढ़ाऊं मम इच्छा अस्ति, अतः अहम कर्तृपदम अस्ति अस्मि, अतः मैं कर्तृपद हूं। इसी प्रकार जैसे मैंने कहा रामः विद्यालयं गच्छति, देखो थोड़ा आगे चलता हूं फिर वापस आ जाएंगे, रामः विद्यालयं गच्छति, मैंने कह दिया कि रामः विद्यालयं गच्छति, या विद्यालयं को एक बार छोड़ भी दो, केवल रामः गच्छति, यहां पर राम क्या है, कर्ता है, गच्छति क्या है, क्रिया है, ये गमन क्रिया जो हो रही है इसमें राम जो है वो स्वतंत्र है, जाए अथवा नहीं जाए, तो राम विद्यालयम, और विद्यालयम क्या हो गया, तो विद्यालय इसमें कर्म हो गया, राम खादती, राम पीबती, राम सीता आयाती, सीता गच्छति, मित्रम पश्यति, मित्रम पठति, ये जितने भी जो चीजें जो मैंने अभी आपको बोली उसमें जो काम को करने में जिसकी स्वतंत्रता होती है वो करता है। आज के बाद में दिमाग में बिठा लो कि काम को करने में जो स्वतंत्र है वो करता है। हालांकि इसका एक सूत्र और भी है, तत्प्रयोजकोश्च है, प्रयोजको हेतुश्च, प्रेरित करने वाला भी करता है लेकिन वो प्रेरणार्थक करता होता है, आज हम उस पर नहीं जाएंगे। फिर साथियों दूसरा जो है आप ध्यान रखो कि पहला हमने ये लिया था कि कर्ता का स्वतंत्र करता है, फिर स्वतंत्र करता है तो इस कर्ता का जो है विभक्ति सूत्र क्या है, तो जिसकी कर्ता संज्ञा हो जाती है उसमें उक्त कर्तरी कर्मणा कर्मणी च प्रथमा, ऐसा सूत्र है। आज हम उपपद विभक्ति की भी बात नहीं करेंगे, इसको काट देता हूं, कि उक्त कर्ता जो है उक्त कर्तरी कर्मणि च प्रथमा, ये प्रथमा विभक्ति का विधायक सूत्र है। देखो ये विभक्ति विधायक सूत्र है, ये कर्ता संज्ञा विधायक सूत्र है, ये कारक का नाम है। तो आपसे पूछे कि कारक का नाम क्या, कि कर्ता, विभक्ति विधायक सूत्र क्या, कि उक्त कर्तरी कर्मणि च प्रथमा। अब साथियों आपको ध्यान रखना है, ये संस्कृत में बार बार चीजें आएगी, एक तो होता है उक्त, एक होता है अनुक्त। अब ये उक्त कर्ता जो है वो क्या है, अनुक्त कर्ता क्या है, देखो एक तो करता है उक्त, एक करता है अनुक्त। ये जो उक्त करता है उसी को हम अभिहित कहते हैं, अभिहित। ये अनुक्त करता है इसी को हम अनभिहित कहते हैं। अब आपसे प्रश्न क्या करेगा, प्रश्न ये करेगा यदि आपसे पूछे कि उक्ते कर्तरी का विभक्ति, उक्ते कर्तरी का विभक्ति, उक्त कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है, कि प्रथमा विभक्ति होती है। अब यहां पर आपसे पूछे कि अनुक्त कर्तरी का विभक्ति, अनुक्त कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है, तो तृतीय विभक्ति होती है, यह आपको ध्यान रखना है। यह उक्त और अनुक्त क्या होता है, देखो अभी हमने बात करी कि जिस पद का क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है वो कारक होता है, और क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार हो, बात ध्यान से सुनिएगा, क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार हो तो कर्ता उक्त है। संस्कृत भाषायाम वाच्य त्रयम भवति, तीन वाच्य होते हैं, एक कर्तृवाच्य, एक कर्मवाच्य और एक भाववाच्य। अब देखो ये उक्त जो है कर्ता भी, कर्ता दो तरह से होता है, एक तो होता है उक्त कर्ता और एक होता है दूसरा जो है वो है अनुक्त कर्ता।
फिर कर्म भी दो प्रकार का होता है, कर्म जो है उसके भी दो प्रकार हो गए, एक तो उक्त कर्म हो गया और एक अनुक्त कर्म हो गया। आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछे कि उक्त कर्ता का मतलब क्या है, कि उक्त कर्ता का मतलब यह है साहब कि कोई भी क्रिया का लिंग और वचन यदि कर्ता के अनुसार वाक्य में प्रयोग हो रहा है तो वो उक्त कर्ता है। कर्तृवाच्य में जो क्रिया का लिंग और वचन है ना, वो क्रिया में लिंग तो होता नहीं है, संस्कृत में क्रिया का जो कर्ता का जो लिंग और वचन है वही क्रिया का लिंग और वचन होता है। इस प्रकार से हम कहते हैं क्रिया जिस वचन की है कर्ता भी उसी वचन का होगा, और कर्ता जिस वचन का है क्रिया भी उसी वचन की होगी, ऐसे आपको ध्यान रखना है। तो क्रिया का कर्ता, क्रिया का प्रयोग यदि कर्ता के अनुसार हो रहा है तो उक्त कर्ता है। उक्त कर्ता में सदैव प्रथमा विभक्ति होती है। और अनुक्त का मतलब क्या है, अनुक्त अर्थात जहां पर कर्ता के लिंग वचन और क्रिया के लिंग वचन में भेद हो, जहां पर समानता नहीं हो, वो जो है अनुक्त कर्ता है। अनुक्त कर्ता में हमेशा तृतीया विभक्ति आती है। तो आपसे किसी ने पूछ लिया कि उक्त कर्तरी का विभक्ति तो प्रथमा और अनुक्त कर्तरी का विभक्ति तो तृतीया। फिर आपसे मैंने कहा कि उक्त कर्मणि का विभक्ति, जो उक्त कर्म है जो जो उक्त होता है उसमें प्रथमा होती है। इधर कर्ता उक्त है तो प्रथमा है, कर्ता अनुक्त है तो तृतीय है, लेकिन कर्म यदि अनुक्त है तो यहां पर आपको यह ध्यान रखना है, विशेष बात है कि कर्ता कर्म यदि अनुक्त है तो वहां पर जो है द्वितीय विभक्ति होगी, यह आपको ध्यान रखना है। अब साथियों देखो, बहुत संक्षिप्त में अभी बता रहा हूं, फिर बाद में बात करेंगे वाच्य की। एक है हमारा कर्तृवाच्य, एक है हमारा कर्मवाच्य और एक है हमारा भाववाच्य। ये तीन वाच्य होते हैं। कर्तृवाच्य में जो कर्ता होता है ना वो उक्त होता है, कर्मवाच्य में जो कर्म होता है वो उक्त होता है, और भाववाच्य में क्रिया ही उक्त होती है। ये तीन चीजें तो आपको यहां से सीखनी है। कर्तृवाच्य का कर्ता आपसे पूछे तो वो उक्त होता है, कर्मवाची का कर्म पूछे तो वो उक्त होता है, भाववाची की क्रिया पूछे तो उक्त होती है। अब कर्तृवाची का जो कर्म है, कर्तृवाची का जो कर्म है वो अनुक्त होगा, ये ध्यान रखना। आपसे कोई पूछ ले कि कर्तृवाची का कर्म कैसा होता है तो वो अनुक्त होता है। अनुक्त का मतलब कर्तृवाची का जो कर्म है उसमें कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग नहीं होता है, कर्तृवाची में क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार होता है। हां बिल्कुल। अब साथियों कर्मवाच्य में कर्म उक्त होता है और कर्ता क्या होगा बोलो, अनुक्त होगा। इस टेबल को बना लीजिएगा। फिर भाववाच्य में क्रिया उक्त होती है तो कर्ता और कर्म दोनों ही अनुक्त होगा, ऐसे आपको ध्यान रखना है। अब मैंने आपको यह बता दिया कि कर्तृवाच्य में जो है उक्त कारक में प्रथमा होगी और अनुक्त में तृतीया होगी, कर्मवाच्य में जो उक्त है उसमें प्रथमा होगी, कर्म में अनुक्त कर्म में द्वितीय होती है। कहां कहां क्या क्या होता है इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत महत्वपूर्ण चीज है, मैं इसको मिटाऊंगा। अब हमें यह ध्यान रखना है कि यह उक्त और अनुक्त हो गया, चलो वापस चलते हैं। अब वहां पर जहां पर हम बात कर रहे थे, कर्ता की परिभाषा हो गई स्वतंत्र कर्ता, जो काम को करने में स्वतंत्र है वो कर्ता है, और इसका सूत्र है उक्त कर्तरी, उक्त कर्ता में और कर्मणि में प्रथमा होती है। उक्त कर्ता हो या उक्त कर्म हो दोनों में प्रथमा होगी, अनुक्त कर्ता में तृतीया और अनुक्त कर्म में द्वितीया। ये प्रश्न बार बार आते हैं, आज मैं कह रहा हूं और जो परीक्षा आए तब आप लोग देखना। अब दूसरा कारक कौन सा होता है, कर्म कारक। तो कर्म कारक जो है, कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति है, कर्म कारक द्वितीय विभक्ति है, और कर्म कारक का जो सूत्र है वो है कर्तुरीप्सित ईप्सित तमम कर्म, ये इसका सूत्र है कर्तुरीप्सित तमम कर्म। सीधी सीधी बात यदि मैं आपको एक शब्द में बताऊं तो कर्ता का जो मुख्य ईप्सित होता है, ईप्सित का मतलब क्या है देखो, इसको यदि खोल करके लिखोगे तो कर्तुहु, फिर ईप्सित, ईप्सित का मतलब चाहा गया, फिर इसमें तमप प्रत्यय तो ईप्सित तमम, और फिर कर्म संज्ञा है। तो कर्म विधायक सूत्र या द्वितीय विभक्ति, ये कर्म विधायक सूत्र या कर्म संज्ञा करने वाला कौन सा सूत्र है, आपसे कोई पूछे कि कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है तो कर्तुर ईप्सित तमम कर्म है, आपको ऐसे ध्यान रखना है। कर्तुर ईप्सित तमम कर्म जो है उसको हमें समझना है। कर्तु का मतलब क्या है, कर्ता का, और ईप्सित, ईप्सित जो शब्द है वो कैसे बनता है साहब, इप्स धातु है, और इप्स धातु के साथ जब कतक प्रति जोड़ते हैं तब ईप्सित चाहा गया,
और फिर उसमें तमप प्रत्यय भी जुड़ गया, तो ईप्सित तमप, कर्ता जिसको सर्वाधिक चाहता है, कर्ता जिसको जिसके लिए मरता है, कर्ता जिसको चाहता है, सर्वाधिक चाहता है, वो कर्म कारक है। जैसे मैंने कहा कि रामः पुस्तकम् पठति, रामः पुस्तकम् पठति। अब मैंने आपसे यह कह दिया कि रामः पुस्तकम् पठति में रामः क्या है, तो स्वतंत्र कर्ता है, पुस्तक क्या है कि कर्म, क्यों है साहब पुस्तक कर्म क्यों है, करण क्यों नहीं हो सकती? अरे इस पठति क्रिया के माध्यम से यह जो राम जो है वो किसको चाह रहा है, पुस्तक को। रामायणम पठति, राम जो है वो रामायण पढ़ता है। रामा भोजनम खादति, भोजन ईप्सित तमम है, भोजन ईप्सित तमम है, ये ध्यान रखना, ईप्सित तमम, जिसके बिना काम हो ही नहीं सकता, कर्ता को शिव से ज्यादा जो प्रिय है उसमें जो है कर्म संज्ञा आपको करनी है। और कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, तो ये रट लो मेरे वीरों कि कर्तुर ईप्सित तमम कर्म, कर्ता का जो सर्वाधिक ईप्सित तमम होता है, कर्ता जिसको जी जान से चाहता है उसकी कर्म संज्ञा होती है, कर्तुर ईप्सित तमम कर्म, और जिसकी कर्म संज्ञा होती है फिर उसमें एक सूत्र आ जाता है कर्मणि द्वितीया। अब आपसे मैंने पूछ लिया कि द्वितीया विभक्ति का विधायक सूत्र कौन सा है, तो कर्मणि द्वितीया, और कर्म संज्ञा का सूत्र कौन सा है, तो कर्तुर ईप्सित तमम कर्म, और कारक का नाम क्या है, तो कर्म। ये कर्ता ने कर्म को से आगे बढ़ो, संस्कृत व्याकरण में इस प्रकार की सरणी चलती है कि किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, तेषां प्रश्नानाम अभ्यासं वयं करिष्यामः, उन प्रश्नों का अभ्यास हम करेंगे, लेकिन वो बाद में करेंगे, पहले आपकी ये फाउंडेशन मजबूत हो गई तो उसके बाद में ये प्रश्न को झपक पलक झपकते ही आप कर सकते हो, लेकिन पढ़ना होगा, उठना होगा, जागना होगा, और जागने के लिए स्वाध्याय करना होगा, एकाग्रचित्त होकर के आपको इसमें तल्लीन होना पड़ेगा, तभी आप कर सकते हो। तो कर्ता का जो ईप्सित, मैंने कहा रामः दुग्धम पीबती, रामः सीता कुछ भी कह सकते हो, गीता दुग्धम पीबती, पीबती क्या है, क्रिया, इसमें राम का भी क्रिया से संबंध है, दुग्धम का भी संबंध है, लेकिन राम कर्ता पद है, दुग्ध कर्म पद है, क्योंकि पीना उसको दुग्ध था, विष पीना उसका प्रयोजन नहीं था, इसलिए रामः दुग्धम पीबती इत्यत्र दुग्धम शब्द कर्म अस्ति, यतो ही कर्ता का मुख्य ईप्सित जो है पीब क्रिया के माध्यम से, पीना क्रिया के माध्यम से कर्ता जिसको सर्वाधिक पसंद करता है वो दुग्ध है। विष पीना कर्ता को ईप्सित नहीं था, इसलिए विष, आपसे मैंने कहा कि रामः विषम पीबती, क्योंकि विष कोई भी व्यक्ति जानबूझ करके नहीं पीता, रामः विषम पीबती जहर पीता है, तो यहां पर विष जो है वो ईप्सित तम नहीं है, वो अनीप्सित है, ये प्रश्न आता है, ये ध्यान रखना। अनिप्सित कर्म में भी द्वितीय विभक्ति होगी, लेकिन उसके लिए अलग सूत्र होगा, आज हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो यह जो चीज थी आपको इस प्रकार से ध्यान रखना है। चलिए साथियों, अब मैं इसको एक बार मिटा रहा हूं और आगे हम चलेंगे। अब आपने ये दो चीजें सीख ली, कौन सी चीजें सीख ली साहब, एक तो कर्ता की परिभाषा क्या है, तो आज के बाद में आपको अंधेरे में भी उठा के पूछे कि कर्ता की परिभाषा क्या है, तो सबको समझा देना कि कर्म कारक है कर्तुरीप, कर्ता की स्वतंत्र कर्ता, और कर्म की कर्तुर ईप्सित तमम कर्म। फिर तीसरा, ईप्सित और अनिप्सित कैसे पहचाने, बेटा ईप्सित और अनिप्सित का मतलब चाहा गया, कोई आदमी विष तो नहीं चाहता। जैसे मैं गांव जा रहा हूं और गांव जाते हुए ऐसे चल रहा था और चलते चलते साइड में एक तिनका था, वो तिनका स्पर्श हो गया, तिनका है तो वहां पर कर्म, लेकिन वो ईप्सित नहीं है। मैं चावल खा रहा था, ओदनम भुंजानो विषम भुंगते, ओदन खाता हुआ विषम भुंगते, ओदन चावल खाता हुआ विष को भी खा गया, ये विष क्या है, अनिप्सित है, वो ईप्सित नहीं है, आपको ऐसे ध्यान रखना है। और तीसरा कारक जो है उसका नाम है करण कारक। अब मेरे साथ आपको बोलना है करण कारकम तृतीया विभक्ति कथ्यते, करण कारक को तृतीया विभक्ति कहते हैं, और तृतीया विभक्ति का सूत्र क्या है, कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है, तो साहब ये रहा साधक तमम कर्णम, साधक तमम कर्णम। बहुत बार एक प्रश्न आता है कि क्रिया की सिद्धि में सर्वाधिक जो सहायक होता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो कर्ण, क्रिया सिद्धौ प्रकृष्टो उपकारकम कारकम कर्ण संयम साथ, क्रिया सिद्धौ प्रकृष्टो उपकारकम कारकम कर्ण संयम साथ, क्रिया की सिद्धि में जो सबसे ज्यादा उपकारक होता है वह कर्ण होता है। इदानीं प्रश्न आयाति, अब प्रश्न आता है कि क्रिया की सिद्धि में कैसे उपकारक। देखो जैसे मैंने कहा कि हम लिखामी, अहम लिखामी, मैं लिखता हूं, अहम लिखामी मैं लिखता हूं, अहम क्या है, कर्ता है, कहां लिखती, अहम लिखामी। अब आपको पहले एक ध्यान रखना पड़ेगा,
करण की करण संज्ञा करने वाला सूत्र है साधक तमम करणम, पांच बार बोल लेना, साधक तम नहीं है साधक तमम है। फिर उसके बाद में इस तृतीया विभक्ति विधायक जो सूत्र है वो है कर्तृकर्णयोस् तृतीया, कर्तृकर्णयोस् तृतीया, ये विभक्ति विधायक सूत्र है। अब आपसे कोई पूछे कि कर्तृकर्णयोस् तृतीया क्या है, तो विभक्ति विधायक है, और साधक तमम करणम क्या है, तो फिर क्या है, ये साधक तमम करणम जो है वो करण संज्ञा विधायक सूत्र है, आपको ऐसे ध्यान रखना है। अब मैंने कहा कि अहम लिखामि, प्रश्न आता है किससे लिखता हूं, तो अहम लिखामि तो कहता हूं कि अहम कलमेन लिखामि, मैं किससे लिखता हूं साहब, कलम से लिखता हूं। अब सवाल उठता है कि कलम इसमें क्या है, तो कलम क्या है, करण है, कलमेन लिखामि, आपसे पूछ लिया अहम कलमेन लिखामि इत्यस्मिन वाक्य करण कारकम किम अस्ति, तो करण कारक क्या है, कलम है। फिर मैंने आपसे ऐसा प्रश्न कर लिया कि अहम कलमेन लिखामि इत्यत्र कलमेन इत्यस्मिन शब्दे तृतीया विभक्ति विधायक सूत्र क्या है, तो कर्तृकर्णयोस् तृतीया, ये विभक्ति विधायक सूत्र है। फिर मैंने आपसे पूछ लिया अहम कलमेन लिखामि इत्यत्र कलमेन कलम शब्दस्य कर्ण संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है, तो साधक तमम करणम, इससे ज्यादा रीत इत्यादि परीक्षाओं का लेवल नहीं होता, आप निश्चिंत रहें। हेतुवाची शब्द में तृतीय भी होती है और तादत्य चतुर्थी का, हेतुवाची का मतलब है अध्ययनेन वसति, किस लिए रहते हो कुमार शर्मा, हेतुवाची शब्द जो है, हेतुवाची का मतलब किस अध्ययन से रह रहे हो, वहां पर षष्ठी भी होती है और तृतीया भी, अध्ययनस्य हेतु वसामि अध्ययनेन वसामि, आपको इसे ध्यान रखना है, अध्ययन के लिए वहां पर वहां के लिए का अनुसार नहीं करना है। फिर तादर्थ चतुर्थी, किसी प्रयोजन के लिए जो है वो चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग करना है, आपको ऐसे ध्यान रखना है। अहम हस्तेन लिखामि, बिल्कुल मानाराम दिवासी, सर मैं यूपी से हूं, बहुत अच्छा पढ़ाते हो, और बिल्कुल बेटा पिंकी रानी आपको खूब शुभकामनाएं बेटा, जीवन में आगे बढ़ो, बस मेरा यही उद्देश्य है, यही लक्ष्य है। लेकिन यहां पर देखो थोड़ा समय कम मिलता है, अब 7:15 तक ही लूंगा आज की क्लास में, क्योंकि आगे फिर आगे कोई अन्य कार्यक्रम है तो 7:15 में छोड़ दूंगा, इसलिए अभी आप बहुत ऐसे इतना पढ़ लो कि आज का जो ये एक घंटा जो है ना वो आपकी जिंदगी में कुछ सार्थक हो जाए। हम आगे इसकी कक्षाएं जो है वो निरंतर रखेंगे, कारक प्रकरण जो है उसको मैं निरंतर आप लोगों को पढ़ाऊंगा। बिल्कुल हरिओम गौर, बिल्कुल धनंजय सिंह मध्य प्रदेश, हाँ आपका नाम भी मुझे याद हो गया है। चलिए साथियों, तो करणेन साधक तमम करणम हो गया। अब आपको जैसे अहम कलमेन लिखामि, इसमें कलम जो है वो करण है। जैसे मैंने कहा अहम पश्यामि, अहम पश्यामि मैं देखता हूं, या रामः पश्यति राम देखता है, किससे देखता है, नेत्रेण नहीं होता है, नेत्राभ्याम, रामः नेत्रेण पश्यति नहीं, नेत्रेण पश्यति तो ऐसे देखना पड़ेगा फिर, नेत्राभ्याम नेत्र दो है, और नेत्रेण नेत्राभ्याम नेत्रै तृतीया व्यक्ति का द्विवचन होगा। अहम लिखामि तो हस्ताभ्याम न लिखामि, हस्तेन लिखामि एक ही हाथ से लिखते हैं। अहम खादामि तो मुखेन खादामि, मुखाभ्याम मुखाभ्याम खादामि नहीं होगा, क्योंकि मुख तो एक ही है, मुखम एकम में भवति। अहम श्रोणोमि मैं सुनता हूं, तो सुनता दोनों कानों से हूं, तो कर्णेन श्रोणोमि कई पुस्तकों में गलत लिखा होता है, अरे भाई आदमी एक कान को बंद करके एक से नहीं सुनता है। सकर्णाभ्याम शृणोति दोनों कान से सुनता है, कर्णाभ्याम। अहम चलामि तो बहुत सारे अहम पादेन चलती, अहम पादेन चलामि ऐसे बोल देते हैं, पादेन का मतलब फिर ऐसे चलना पड़ेगा, पादाभ्याम अर्थात पदभ्याम या पादाभ्याम दोनों सही है, पदभ्याम पादाभ्याम दोनों सही है। तो अहम पादाभ्याम चलामि, अहम पादाभ्याम चलामि, हस्तेन लिखामि, मुखेन खादामि, नेत्राभ्याम पश्यामि, कर्णाभ्याम शृणोमि। तो ये सारी की सारी, जैसे मैंने कहा गजह चलती हाथी चलता है, और आपसे वहां पर ऑप्शन दे दिया पादेन चलती, पादाभ्याम चलती, पादई चलती या पादाय चलती, क्या होगा, तो ध्यान रखना है हाथी के दो पैर नहीं होते हैं, चार होते हैं। जितने भी पशु सृष्टि जो है वो पादई चलती, जो भी पशु सृष्टि है वो पादई चलती, और जो भी मनुष्य सृष्टि जो है वो पादाभ्याम भी कह सकते हो या फिर पदभ्याम भी कह सकते हो, दोनों शुद्ध है, पादाभ्याम या पदभ्याम। लेकिन हाथी सुनता है तो वहां पर कर्णाभ्याम श्रृणोति, क्योंकि कान तो दो ही होते हैं पशु में भी मनुष्य में भी, लेकिन हाथ जो है हाथ ये तो इतत्र हस्ता न भवति, यहां वहां पर हाथ नहीं होता है, इसलिए दोनों हाथों की जगह वहां पर भगवान ने जो है उनको दो पैर अतिरिक्त दे दिए। ईश्वर भी बड़ा दयालु है साथियों। चलिए तो यहां पर साधक तमम करणम, उम्मीद करता हूं कि यह चीज आपको समझ में आई होगी, निश्चित रूप से मेरा ऐसा मानना है। चलो साथियों,
आगे बात करूंगा। और यह रहा अब बहुत ही बढ़िया वाला कारक आपके सामने आ रहा है, चौथा जो कारक है उसको हम बोलते हैं संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का नाम है, इसका विभक्ति चिन्ह के लिए है, पादाभ्याम। हां लिखमाराम सारण, पादाभ्याम या पदभ्याम, बोथ आर राइट, दोनों शुद्ध है, पदभ्याम पादाभ्याम। जी जैन दामोर, बिल्कुल ये इंद्र शर्मा, मैं मां साहब नहीं हूं, या तो आप शिक्षक बोले, अपनी मर्यादा का ध्यान रखें, ध्यान रखिएगा। ये इस प्रकार का संस्कृत पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं वो इस प्रकार की हरकतें नहीं करते हैं। आप लोगों से निवेदन है कि आप बिल्कुल कमेंट नहीं करें, मैं इनका कहीं भूखा नहीं हूं। कितने लोग लाइव हैं, कितने लोग क्या कर रहे हैं, मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरा एक जीवन का लक्ष्य है। तो आप शिक्षक बोलिए, ये मार साहब क्या होता है। तो चलिए, संप्रदान जो कारक है, संप्रदान कारक जो है, इस कारक का नाम संप्रदान है। संप्रदान जो शब्द है वो सम उपसर्ग प्र उपसर्ग दा धातु लुट प्रत्यय से बनता है, संप्रदान। सम उपसर्ग प्र उपसर्ग दा धातु लुट प्रत्यय। करण कारक जो है वो कृ धातु के साथ लुट प्रत्यय से बनता है, कर्मण मूल शब्द कर्म हो गया, कृ धातु के साथ त्रित जोड़ते हैं तब कर्ता शब्द बनता है। संस्कृत में रोहिताश्व कुमार, संस्कृत में कितने प्रत्यय, बहुत सारे प्रत्यय पढ़ा चुका हूं रोहिताश बेटा, वहां जाकर देख लो। विप्राय गाम ददाति, विप्राय चतुर्थ व्यक्ति है, बिल्कुल। साथियों संप्रदान कारक की कारक संज्ञा विधायक सूत्र है कर्मणा, बहुत महत्वपूर्ण है कर्मणा, या मा भी प्रैति, कर्मणा यम भी प्रैति, सह संप्रदानम, सह संप्रदानम। इसका मतलब क्या है, कर्ता अपने कर्म के द्वारा, कर्ता अपने कर्म के द्वारा जिसे संतुष्ट करना चाहता है, जिसे सर्वाधिक चाहता है, कर्ता अपने कर्म के द्वारा जिसे संतुष्ट करता है। अरे हर व्यक्ति इस संसार के अंदर किसी को संतुष्ट करने के लिए काम कर रहा है, मैं अभी जो पढ़ा रहा हूं आपको संतुष्ट करने के लिए पढ़ा रहा हूं। तो जिसके लिए जो हम काम करते हैं, कोई उद्देश्य हमारा जो भी है, कोई भी काम करने का जो उद्देश्य है ना, उसमें चतुर्थ व्यक्ति होगी, और जिसको उद्देश्य बना करके जो हम काम कर रहे हैं उसमें चतुर्थ व्यक्ति होगी। जैसे मैंने कहा इदम फलम, मैंने कहा कि यह फल है, तो मुझे कोई पूछेगा कस्मै फलम, किसके लिए है, तो हम वदामि रामाय फलम, बालिकाय फलम, भानवे फलम, राघवे फलम। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है, जिस कर्मणा अर्थात कर्ता अपने कर्म के द्वारा, यम अर्थात जिसको अभिप्रेति लक्ष्यम करोति संतुष्ट करता है, तोष्यति यम, तोष्यति यम, संतोष्यति यम, यम प्रसन्नम करोति, जिसको प्रसन्न करना चाहता है। जैसे मैंने कहा, पहले यह ध्यान रखो कि यह तो जो है संप्रदान संज्ञा वाला सूत्र है, इसका विभक्ति विधायक जो सूत्र है वो है चतुर्थी संप्रदान है। अरे ये चीजें आज आप रट लो, सीख लो, जीवन में काम आएगी। जिसकी संप्रदान संज्ञा हो जाती है उसमें हाँ नेत्रन काने भी नहीं होगा, बिल्कुल होगा ना, नेत्र से काना। कुमार शर्मा पूछ रहे हैं, अरे काना तो एक नेत्र से हो सकता है, लेकिन हाँ अंधा एक नेत्र से नहीं होता है, नेत्राभ्याम अंध, वो आगे चीजें आएगी सब कल वाली क्लास में, आज तो केवल मैं जो आपकी नींव बना रहा हूं। तो चलिए साथियों, अपने पास मैंने आपको कहा समय बहुत कम है, और इसी समय में अब 15 मिनट के अंदर आपको बाकी सारी चीजें करनी है। तो कर्मणा यम विप्रेति स संप्रदानम, कर्ता अपने कर्म के द्वारा जिसको संतुष्ट करता है, जिसको लक्ष्य बनाता है, जिसको कोई काम दान इत्यादि जो कर्म करता है उसमें जो है संप्रदान संज्ञा उसमें होती है। संस्कृत में कोई बुक में 5 कारक बताते हैं, कोई 6 बता रहा है, कृपया आप हमें बताने का कष्ट करें, आपकी इतनी मेरी कोई कृपा नहीं होगी, हरिओम गॉड। कोई पुस्तक कुछ भी कहे, पाणिनि जी ने जो है ऐसा कह दिया था, कर्ता कर्म कर्म च संप्रदानम तथैव च जो है अपादान अधिकरणम इत्याहु कारकाणि, षट ही कारक होते हैं, नहीं तो कम होते हैं, नहीं तो ज्यादा होते हैं। भाई संस्कृत में किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है, यदा हम हिंदी पाठ्या में जब मैं हिंदी पढ़ाता हूं तब हिंदी में तो समस्या आती है, क्योंकि हिंदी के बहुत सारे पिताजी हैं, लेकिन संस्कृत में अत्र जो हम जानते हैं कि पाणिनि के जो वहां से शुरू हुई जो परंपरा है उसके बाद में कात्यायन और पतंजलि, 3 मुनि है, मुनि त्रय है, ये ध्यान रखिएगा। हितेश शर्मा, अकेला महसूस करता हूं, वीडियो लगा लेता हूं, कोई हो, बिल्कुल साथियों ऐसा ही होता है, हम सब साथ ही तो हैं, इस सृष्टि में कोई किसी से अलग नहीं है, मैं आप लोगों में हूं, आप मुझ में हो, बस आपका जीवन मंगल में हो, आप जीवन में खुशियां प्राप्त करें, शुभकामनाएं मेरी, और जीवन में सफलताएं प्राप्त करें। चलिए साथियों, कर्मणा यम अभिप्रेति स संप्रदानम, कर्ता अपने कर्म के द्वारा। अब जैसे मैंने कहा राजा ब्राह्मण आय, ब्राह्मण पहले शब्द आ गया था, राजा शिष्याय या सैनिकाय धनम ददाति, धनम ददाति, राजा जो है वो शिष्य के लिए धन देता है। मैंने कहा विष्णु हो,
विष्णु हो, मित्राय मित्र के लिए, गाम ददाती गाय देता है, माता माता बालिका यही, माता बालिका के लिए बालिका ही, बालिका की चतुर्थी बालिका यही, धनम ददाती या भोजनम ददाती या फलम ददाती कुछ भी दे रहा है। देखो इसमें कर्ता कौन है साहब, इन वाक्यों में आओ कर्ता कौन है, राजा विष्णु माता। यहां पर राजा देने की क्रिया कर रहा है, ददाती क्रिया कहीं भी आए चतुर्थी लगा देना। हाँ शक्तियां नहीं, सूक्तियों का पाठ करा दूंगा केपी केपी सर। हाँ बिल्कुल, सूक्तियां होती है शक्तियां नहीं, सूक्तियां शोभना उक्ति यासा सूक्ति। यहां पर शिष्याय मित्राय और बालिकाय ये चतुर्थी व्यक्ति है। क्यों है, क्योंकि कर्ता इनमें ये जो राजा विष्णु और माता, ये कर्ता जो है अपने कर्म धन गाम और भोजन के द्वारा किसको अभिप्रेत कर रहा है, शिष्य को मित्र को बालिका को। हो गया समाप्त। फिर आगे उपद व्यक्तियां आएगी, रुचिर खानम प्रियमाणा नमः स्वस्ति स्वाहा स्वदा अलम वशत योगा चतुर्थी प्रिय स्प्रीतम, बहुत सारी आगे आएगी उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन अभी जो है आपके सम्मुख यही चीज है, यहां पर राजा विष्णु माता कर्ता है, शिष्याय मित्राय बालिका ये सारे के सारे संप्रदान है, और धनम गाम और भोजन जो है वो साथियों इसके अंदर जो है कर्म है, ददाती क्रिया है। आगे चलता हूं मैं, इसको मिटाता हूं और ये हम चलते हैं आगे। चलिए चार कारक आपको समझ में आए और पांचवा कारक ये रहा आपके सामने। पांचवा कारक हम जानते हैं, पांचवा जो कारक है वो क्या है साथियों, पांचवा कारक जो हम बोलते हैं अपादान। अपादान शब्द कैसे बना है, अप उपसर्ग अ उपसर्ग द मूल धातु। फिर से सुनिएगा, अप उपसर्ग द उपसर्ग, अप और दा दो उपसर्ग है, अप सॉरी अप और आ दो उपसर्ग है, द मूल धातु है और लुट प्रत्यय अपादानम। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना, सम सुट क्रिय और कत संस्कृत में दो प्रत्यय, बिल्कुल सम सुट, सुट तो एक सम परिभ्राम करो तो भूषण सूत्र है, बीच में इधर देखो। अब यहां पर इसका जो सूत्र है अपादान कारक का, अपादान संज्ञा का जो सूत्र है वो लिख लीजिएगा, ध्रुवम अपाये अपादानम, ध्रुवम अपाये अपादानम ये इसका सूत्र है, और अपादाने पंचमी ये इसका विभक्ति सूत्र है, अपादाने पंचमी ये इसका विभक्ति सूत्र है साथियों। ध्रुवम अपाये अपादानम, ध्रुवम अपाय अर्थात कोई चीज ध्रुव अर्थात स्थिर जो है, ध्रुव का मतलब होता है स्थिर, और स्थिर का मतलब यहां पर हम लेते हैं अवधि से, यह ध्यान रखना, ध्रुव का अर्थ स्थिर और स्थिर अर्थात अवधि, अपाय का अर्थ होता है दूर होना विश्लेष होना, और अपादान क्या है कारक है, यह इसका विश्लेषण है। अब आपको ध्यान रखना है, कोई चीज जो स्थिर है और उससे जो चीज दूर हो रही है तो दूर होने वाली तो कर्ता होती है, ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं, और जो स्थिर है या जिसे हम अवधि संज्ञा कह रहे हैं उसकी संप्रदान अपादान संज्ञा होती है, ऐसे ध्यान रखो। जैसे मैंने कहा राम आयाति, राम आता है, प्रश्न आता है कि राम कहां से आता है, तो मैं कहा कि राम ग्रामात आयाति, ग्रामात आयाति, राम कहां से आ रहा है, गांव से आ रहा है। मैंने कहा कि पर्णम वृक्षात पतति, पर्ण पत्ता वृक्षात पतति। अब साथियों ये पर्ण क्या है, इसमें पर्णम जो है ये कर्ता है, ये ध्यान रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। कुछ शिक्षक साथी भी इसके साथ इसे लेकर के संदेह में आ जाते हैं, तो आप ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं। जैसे मैंने कहा गंगा हिमालयात उद्भवती, तो गंगा इसमें कर्ता है। जैसे मैंने कहा सीता विद्यालयात आयाति, विद्यालय से आ रही सीता क्या है, कर्ता है, ये ध्यान रखना। तो जो दूर होने वाला होता है, जो दूर होने वाला होता है वो क्या होता है बोलो, दूर होने वाला कर्ता होता है, और जहां से कोई चीज ध्रुव, जो ध्रुव है, ध्रुव जो संज्ञा है, ध्रुव जो पदार्थ है उसमें पंचमी व्यक्ति होगी। यहां पर पत्ता वृक्ष गिर रहा है तो वृक्ष जो है वो स्थिर है इसमें, लेकिन एक ध्यान रखना, धावतो अश्वात पतति, धावतो अश्वात पतति, अश्वात पतति, यहां पर दौड़ते हुए घोड़े से राम धावतो अश्वात पतति, अश्वात में पंचमी व्यक्ति है। धावता शब्द जो है वो क्रिया विशेषण है, धाव 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 धातु है, शत्रु प्रत्यय धावन धावंत धावंत, और धावता पंचमी व्यक्ति हो जाएगी। धावतो राम दौड़ते हुए अश्वात, अब यहां अश्व तो दौड़ रहा है तो कोई शंका हो सकती है कि दौड़ दौड़ रहा है तो फिर वो स्थिर कहां है, इसलिए हमने कहा कि इसकी अवधिभूत संज्ञा भी होती है, धावतो अश्वात पतति। जैसे मैंने कहा लेखनी कुत्र अस्ति, हस्ते अस्ति, लेखनी हस्ते अस्ति, देखो लेखनी हाथ में, अब मैंने कहा लेखनी
लेखनी हस्तात पतति, तो हस्त स्थिर रहा हस्तात पतति, तो आपको इसे ध्यान रखना है, लेखनी हस्तात पतति, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। चलिए साथियों, अब इसके बाद में आगे वाला जो होगा, आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है कि कोई चीज जो जहां से अलग हो रही है, कोई चीज जो जहां से अलग हो रही है, जहां से अलग हो रही है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा, यह आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर इसका सूत्र मैं वापस लिख देता हूं, ध्रुवम अपाए, ध्रुवम अपाए, ध्रुवम अपाए, ध्रुवम अपाए, फिर अपादानम, यह मैं बता चुका हूं आपको अपादानम, और फिर इसका विभक्ति विधायक सूत्र जो है वो है अपादाने पंचमी, अपादाने पंचमी। अब यहां पर षष्ठी संबंध जो है वो कारक नहीं होता है, ये ध्यान रखना, संबंध कारक नहीं होता है। फिर उसके बाद में अधिकरण कारक आता है, ये छठा, ये छही कारक है, और अधिकरण जो है उसका अधिकरण संज्ञा विधायक जो सूत्र है वो है आधारो अधिकरणम, याद रखना आधारो अधिकरणम, आधारो अधिकरणम, आधार की अधिकरण संज्ञा होती है। अब सवाल उठता है कि आधार क्या होता है? देखो, कोई भी जो क्रिया आप करते हो उसका आधार तो होता ही है ना, क्योंकि हम आकाश में चित्र नहीं बना सकते। जैसे अहम चलामी, मैं चल रहा हूं, कुत्र चलामी, भूमौ चलामी, तो भूमि की सप्तमयुक्ति भूमौ, हरि की हरौ, गुरु की गुरौ, शक्ति की शक्तौ, मति की मत्तौ, तो अहम भूमौ चलामी, मैं भूमि पर चलता हूं। जैसे मैंने कहा लेखनी अस्ति कुत्र अस्ति हस्ते अस्ति, लेखनी अस्ति कुत्र अस्ति कोशे, कोशे कोश पॉकेट, कोशे सप्तमी, कोशे अस्ति कोशे, मैंने कहा रामा अस्ति कुत्र अस्ति ग्रामे, ग्रामे एक ही मात्रा लगेगी, ग्रामे अस्ति, तो आधारो अधिकरण क्रियाया यत आधार भवति, क्रिया का जो क्रिया जहां पर हो रही है और उस क्रिया के होने का जो आधार होता है उसमें अधिकरण संज्ञा होती है, आपको इसे ध्यान रखना है। क्रिया के घटित होने का हिंदी व्याख्याता साहित्य के लिए महावीर सिंह एक हमारी पुस्तक है, हिंदी भाषा एवं साहित्य का अद्यतन इतिहास, आप चाहें तो उसको अमेजोन से मंगा सकते हैं, हिंदी भाषा एवं साहित्य का अद्यतन इतिहास हमारी पुस्तक है, फर्स्ट ग्रेड के लिए हिंदी साहित्य के लिए बहुत अद्भुत पुस्तक है हमारी तरफ से, तो बाकी विद्यार्थी उसका वो करेंगे। हाँ, अब साथियों अधिकरण संज्ञा का तो ये सूत्र हो गया, और सप्तमी विभक्ति विधायक जो सूत्र है वो है सप्तमे अधिकरणे। देखो सप्तमे अधिकरणे, संस्कृत भाषा में सर्वाधिक बात जो है वो ये है कि हम शुद्ध बोलें, शुद्ध लिखें और शुद्ध ही उच्चारण करें, तभी काम होने वाला है, आपको ऐसे ध्यान रखना है। अधिकरण का सूत्र क्या हो गया? अधिकरण विधायक सूत्र, आधारो अधिकरणम, और सप्तमी अधिकरण, सप्तमी सप्तमी में अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है। अब मैंने कहा जैसे ओदनम पचति, ओदन पचता है, तो कहां पच रहा है? स्थाल्याम, स्थाल्याम ओदनम पचति, ओदनम पचति, आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, तो आकाशे, आकाशे पक्षिणः, पक्षिणः उड्डयन्ते, उड्डयन्ते, आगे उड्डयन्ते है देख लेना, आकाशे, कहां उड़ रहे हैं? आकाश में। मैंने कहा विमान गच्छति, विमान जा रहा है, कहां जा रहा है? आकाशे। मैंने कहा अहम अस्मि कुत्र अस्मि गृहे अस्मि, तो घर में हूं, मैं बैठ रहा हूं, कहां पर बैठ रहा हूं? कटे आस्ते चट्टाई पर बैठ रहा हूं। मैंने कहा अब यहां पर यह ध्यान रखना है कि ये जो आधार जो है ना साथियों, ये आधार जो है वो तीन तरह का होता है, आधार तीन तरह का होता है, ध्यान रखना, आधार जो है वो तीन तरह का होगा, ध्यान रखना, आधारस्य त्रय भेदा, आधार के तीन भेद हैं। पहला आधार जो है उसको हम बोलते हैं औपशैलेषिक आधार, दूसरा जो है वो होता है वैश्विक आधार, वैश्विक आधार, तीसरा जो है वो होता है अभिव्यापक आधार। ये तीन प्रकार के आधार होते हैं, ये बहुत जरूरी है आप लोगों को सीखना। तीन प्रकार के आधार होंगे, औपशैलेषिक अर्थात जो भौतिक वस्तुओं के मध्य जो संबंध है वो औपशैलेषिक आधार है, जैसे रामः कटे आस्ते, राम कहां बैठ रहा है? चट्टाई पर बैठ रहा है। वैश्विक आधार, जैसे मैंने कहा व्याकरणे रुचि अस्ति, व्याकरणे सप्तमी व्यक्ति है, रुचि अस्ति, रुचि अस्ति, व्याकरण में रुचि है, मोक्ष इच्छा अस्ति, सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति, ईश्वर सर्वत्र अस्ति,
तो यहां पर ये जो है वैश्विक आधार है, और ओहो वैश्विक आधार सॉरी हाँ विषय में आधार ईश्वरीय रुचि अस्ति ये इसका नहीं अभिव्यापक का है, और तिलेशु तेलम अस्ति समय हो गया इसलिए जो है थोड़ा वो हो गया है, तिलेशु तेलम अस्ति तिलु में तेल है, यहां पर म नीचे कर लेना क्योंकि आगे स्वर है तो तैलम या अनुस्वार गलत है, यहां पर म आना चाहिए, तिलेशु तैलम अस्ति ये अभिव्यापक आधार है। तीन प्रकार के आधार होते हैं औपशैलेषिक, आपसे पूछे कटे आस्ते कौन सा आधार है औपशैलेषिक आधार, व्याकरण रुचि अस्ति मोक्ष इच्छा अस्ति कौन सा आधार है वैश्विक आधार, तिलेशु तैलम तिल के हर कण में तेल है, ऐसा नहीं है कि आगे तेल है पीछे नहीं है बीच में है साइड में नहीं है, सर्व सर्वत्र है, ईश्वर सर्वत्र अस्ति सर्वस्मिन आत्मा अस्ति सभी में आत्मा है, ये जो है अभिव्यापक आधार है। तो साथियों एक बार वापस आ जाइएगा, ये जो है इस क्लास का सारांश यहां पर आपके सम्मुख है, हमने कहा संस्कृत भाषा में छह कारक होते हैं, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान और अधिकरण, फिर कारक विधायक सूत्र कौन से होते हैं, तो ये कारक विधायक जो सूत्र हैं आपको ध्यान रखना है, कारक विधायक जो सूत्र हैं कर्ता का स्वतंत्र कर्ता विभक्ति उक्ते कर्तरी कर्मणि च प्रथमा, कर्म कारक का सूत्र कर्तुरीप्सित तमम कर्म, करण का साधक तमम करणम, संप्रदान का कर्मणा यम अभिप्रेति स संप्रदानम, अपादान का ध्रुवम अपाय अपादानम और अधिकरण का आधारो अधिकरणम, ये सूत्र थे। और इन सूत्रों के माध्यम से ये इधर वाले जो है ये विभक्ति विधायक सूत्र हैं, इधर वाले जो हैं वो आप ध्यान रखना ये जो है संज्ञा विधायक सूत्र हैं, ये कारक हैं, कर्ता कारक को प्रथमा विभक्ति कहते हैं, कर्म कारकम द्वितीय विभक्ति कथ्यते, करण कारकम तृतीय विभक्ति कथ्यते, संप्रदान चतुर्थी अपादान पंचमी, संबंध को षष्ठी विभक्ति कहते हैं, संबंध कारक नहीं है। और फिर उसके बाद में अधिकरण जो है वो सप्तमी विभक्ति कथ्यते, आपसे पूछ ले कि कर्म संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा, तो ये है कर्म संज्ञा विधायक कौन सा, ये संप्रदान का ये है, अपादान का ये है, अधिकरण का ये है, आपसे कोई पूछ ले कि प्रथमा विभक्ति विधायक सूत्र कौन सा है, तो उक्ते कर्तरी कर्मणि च प्रथमा, द्वितीय विभक्ति का कौन सा है कर्मणि द्वितीय, तृतीय का कौन सा है कर्तरी कर्णयोः तृतीय, चतुर्थी संप्रदान अपादान पंचमी सप्तमी अधिकरण, ये थी आज की कक्षा, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, मैं आपसे विदाई लेता हूं साथियों, और खूब पढ़िएगा खूब आनंद के साथ जीवन में आगे बढ़े, विश्वास रखें षष्ठी शेष अर्थ में मतलब क्या है कल की क्लास में आगे मैं बात करूंगा, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लें वहां पर आपको सूचना मिलेगी कल की क्लास कब होने वाली है, कारक प्रकरण पर हम बात करेंगे बहुत महत्वपूर्ण है, आज मैंने भूमिका बना दी है, कल हम आपको आकाश में उड़ाने वाले हैं, बहुत सरल है बहुत सहज है ये सब कुछ आपके अंदर है, ईश्वर ने मनुष्य से उत्तम और कोई कृति सृष्टि के अंदर अभी तक नहीं बनाई है आगे बनेगी भी नहीं, देवा देवता भी मनुष्य जन्म को लेने के लिए लालयित होते हैं, आप सभी को प्रणाम नमस्ते, सबका दिन शुभ हो और जो कुछ पढ़ाया वो आपके अंतःकरण में प्रविष्ट हो, नमस्ते।